मानव समाचार मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आज मेमन जमात खाने में समस्त मेमन जमात की जानिब से ख्वाजा साहब के नाम से जो है यहाँ पर न्याज का अहतमाम किया गया। माशाल्लाह यहाँ पर तमाम के तौर पर मिट्टी का भी इंतजाम था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। मदारिस के बच्चों को भी बुलाया गया था। और आज इस न्याज के साथ साथ एक ख़ास बात और यहाँ पर समस्त मेमन जमात मालेगाँव की जानिब से हुई कि मालेगाँव शहर की 3 ज़रूरतमंद ख्वातीन को यहाँ पर सिलाई मशीन दी जा रही है ताकि वो जो है काफ़ी हो जाए और अपने पैरों पर खड़े रहें, किसी की मोहताजी ना हो। इस तरीके का एक बड़ा ही नेक पाल यहाँ पर मेमन जमात समस्त मेमन जमात की जानिब से यहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ मालेगाँव शहर की कुछ चुनिंदा शख्सियात का यहाँ पर एजाज किया गया। मेमन जमात का एक बच्चा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हुआ, उसका भी यहाँ पर एजाज किया गया। साथ में वाटर टाइगर शकील तैराक साहब का भी यहाँ पर एजाज किया गया। अनवर खान अन्नू पीटर, उसके बाद खलील अब्बास सहाफत में इन दोनों हजरात का यहाँ पर एजाज किया गया और दूसरे भी कई शख्सियात को यहाँ पर एजाज से नवाजा गया। आज इसी बात पर यहाँ पर मेमन जमात खाने के कुछ जिम्मेदारान मौजूद हैं, मैं उससे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ जो है साजिद बोरा साहब है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस मामले में इस बात पे वो रोशनी डाले कि ये पूरी तकलीफ का एहतमाम हुआ था तो एहतमाम के पीछे जो है क्या मकसद था और कौन कौन लोग जो है इस पूरे एहतमाम को करने में उनके साथ थे। जरा सबसे पहले मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि इस तकरीब पर आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं मानव समाचार के रूए जनाब डॉक्टर साहब का आप तमाम साहबी हजरात का समस्त मोमिन जमात मालेगाँव की जानिब हमारे प्रेसिडेंट शरीफ जुलानी साहब की तरफ से सेक्रेटरी आजम खान हमदानी की जानिब से और तमाम बोली मेम्बरान की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम को यहाँ आने पर शामदीद कहते हैं। हम लोग आज का ये जो प्रोग्राम हुआ तो ये ख्वाजा फाजगान हलम अली ख्वाजा मोहनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अंजीरी अल्लाह ताला नो की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से समस्त मेमन जमात की जानिब से आपकी बारगाह में न्याज का एहतमाम किया गया और समस्त मेमन जमात के जितने अपराध हैं मालेगाँव में तमाम को यहाँ दावत दी गई और दीगर शोभा जात के जो नामी शख्सियात हैं मुअज्जज़ शख्सियात हैं उन्हें भी यहाँ पे मदद दिया गया, वो आए और न्याज से पहचियाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ताला समस्त मेमन जमात मालेगाँव का दायरा सिर्फ मेमन जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम शोबों के लिए तमाम समाज के लिए तमाम बिरादरियों के लिए हमें वसी करने का एक इरादा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज उसकी एक कड़ी ये रही कि यहाँ 3 ज़रूरतमंद खातिन को हमने 3 सिलाई मशीन देकर खुद कबूल करने की रखना से कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोशिश को कबूल करें। हमारे टाइगर शकील तैराक साहब जिनकी के बहुत खिदमत रही है मालेगाँव में और ऐसे ऐसे मौके पे उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है उनको एजाज़ देने के लिए उनको एजाज तशक्कुर पेश करने के लिए आज उन्होंने एजाज से उनका एजाज़ किया। समस्त मेमन जमात मालेगाँव की जानिब से दीनी समाजी खिदमत करने वाली शख्सियत हमारे हाफिज साजिद हुसैन अशरफी आज 35-40 बरसों से कमर पेश तरावी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दीनी खिदमत उनकी रही है हमें और हमारे लिए हमारे समाज के लिए आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे समाज का एक बच्चा हाफिज़ एहसान साहब वो आज माशाल्लाह कुरान शरीफ उन्होंने मुकम्मल किया और उनका भी हमने यह एजाज़ किया। सहाफत की दुनिया में जाना माना नाम हमारे दोस्त खलील अब्बास साहब उनका भी हमने एजाज़ किया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में अज़्म रखते हैं कि इंशाल्लाह समाजी दीनी मिली खिदमत में हमारा दायरा वसी हो और इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। समस्त मेमन जमात की जानिब से हम तमाम बॉडी मेम्बरान की जानिब से आपको फिर से एक बार तो यहाँ पर मेरे साथ जो है रिजवान शेखा साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। अब मोहतरम क्या कहना चाहेंगे आप? मेमन जमात की ये रिवायत रही है कि जब भी बुजुर्गाने दीन के उर्स की तारीख आती है चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, 11वीं की न्याज हो या 6ठी की सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की न्याज हो, मेमन बिरादरी हर उर्स के मौके पर न्याज का इंतमाम करती है। इस मरतबा भी समस्त मेमन जमात की तरफ से मेमन जमात के प्रेसिडेंट शरीफ मेमन साहब और पूरे बॉडी मेम्बरान की सरपरस्ती में आज यहाँ 6ठी की न्याज मुनक्किद हुई जिसमें मेमन बिरादरी के सभी
मजहबी लोगों के अलावा कई मदारिस के बच्चे, कई उफाज किराम, कई अम्मा किराम और भी दिगर समाजी सियासी अफराद ने यहाँ शिरकत फरमाई। और मेमन बिरादरी समाजी काम भी बहुत करती है। पिछले दिनों इसी चैनल पर क्रिकेट टूर्नामेंट भी शुरू हुआ था, स्पोर्ट्स के मामले में भी मेमन बिरादरी ने आगे कदम उठाया बढ़ाया। और मेमन बिरादरी के जो भी नौजवान किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे मजहबी फील्ड हो, तो उसकी हौसला अफजाई करना भी मेमन जमात का एक खास हिस्सा रहा है। तो आज मेमन जमात का एक बच्चा हाफिज एहसान, उसने हिफ्ज मुकम्मल किया, आज उसका इस्तकबाल भी हुआ। इसी तरीके से मज़ीद आने वाले दिनों में समस्त मेमन जमात मेमन बिरादरी में और मेमन बिरादरी के तवस्त से शहर भर में समाजी सियासी फलाही कामों का दायरा वसी रखेगी। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। समस्त मेमन जमात खाना जो है सिर्फ मेमन बिरादरी की ही नहीं नुमाइंदगी कर रहा है, आज जो है इन्होंने अपने दायरे को बड़ा किया है और तमाम बिरादरियों के लिए जो है सामाजिक काम ये कर रहे हैं और सामाजिक काम करने वालों के लिए भी इनके दिल के दरवाजे जो है इन्होंने खोल दिए हैं और उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो है मेमन बिरादरी जो है और मेमन जमात जो है लोगों के लिए इसी तरीके से जो खिदमत करती रहेगी, अलग अलग शोबे में जो है वो लोगों का के काम आती रहेगी। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।